नेपाल में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ यूपी नंबर की बस नदी में गिर गई। हादसा तनहू जिले के अबू खैरेनी क्षेत्र में हुआ है। नेपाल पुलिस ने इस हादसे की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक हादसाग्रस्त हुई बस का नंबर UPFT 7623 है और ये बस नदी में गिरने के बाद किनारे पड़ी मिली। हादसे की खबर लगते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इस खबर को तैयार करते वक्त तक इस हादसे में 14 लोगों के शव निकाले जाने की खबर है, जबकि 16 घायल यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया है। स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि नदी में ये बस कैसे गिरी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे। ये बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू जा रही थी। हादसे के वक्त बस में केवल भारतीय यात्री ही सवार थे और ये सभी यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। वो इस हादसे की खबर के बाद तो मानो हाहाकार मच गया। हालांकि अब तक इस हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस हादसे ने सबको हिलाकर जरूर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।